बस्तर के सारकेगुड़ा गांव में 28 जून 2012 की वह रात जिसमें सुरक्षा बलों ने 17 आदिवासी ग्रामीणों को माओवादी बताकर उनको जान से मार दिया था। लेकिन मारे गए लोग नक्सली ही हैं, इसका सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई थी। मामले को लेकर राज्य सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट में पता चला था जो लोग पुलिस द्वारा नक्सली बताकर मारे गए थे वह नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण आदिवासी थे। इन सभी लोगों में कमला काका भी पीड़ित रही हैं। कमला काका ने पुलिस बल के द्वारा किए गए हमले पर अपने परिवार के 3 सदस्य, अपने भतीजे, चचेरे भाई कन्हैया काका और चचेरे भाई की बेटी को खोया था। हमारे समय पूरा घर जला दिए, हम लोगों को कोई दिया क्या घर जलाना? जान मार के हमारा जान को लेकर हमारा 17 लोगों को यहाँ खड़ा करिए, उसके बाद आप राशन पानी यहाँ डालिए, तब तक हम नहीं लेंगे। क्यों हमारे लोगों का क्या गाय बकरा बोल के बलि के लिए ले गए क्या? हम लोग का बेच है क्या? हमारे बच्चे लोगों के लिए, हमारे आदमी लोगों को, हम लोग जान बेच के आप लोगों का सामान खाने के लिए, हम लोग को जीने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, हम लोग को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन लोग जनता नहीं है, उन लोग नक्सली है। नक्सली लोग को ले जाके दो, यहाँ कोत्तागुड़ा में कोई जनता नहीं है, इन लोग सब नक्सली है। आप लोग क्या समझ के लाए? नक्सली को देंगे बोल के लाए? तो गांव वालों को लाज करना, उन लोग 17 लोग नक्सली थे, असली नक्सली, खतर नक्सली थे उन लोग। उन लोग जनता थोड़ी ना है, उन लोग जनता नहीं है, उन लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। वो छोटी लड़की थी ना, वो मतलब चढ़कर मतलब क्या बासर दे रही थी, इसलिए उनको पहले मारा गया है। वो असली नक्सली थी, आप लोग बताइए, उन लोग सब नक्सली है। नक्सली को कोई देता है क्या राशन पानी? जब नक्सली को मारने पर नक्सली को कोई राशन पानी देने आता है क्या? आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, जब तक हमारे लोग यहाँ नहीं आएंगे हम लोग को नहीं चाहिए आप लोग का राशन पानी, आपका मदद भी नहीं चाहिए हम लोग को। वहाँ पे पूरा इन लोग ना 4 लोग ना मतलब असली नक्सली है, बाद बाकी नाचने वाले नक्सली लोग हैं। आप लोग के पोस्ट इधर से लगी हुई है, मार दो हम लोग को, सबको जला दो। अबे दिन के जला दो, जितने लोग पोस्ट लगे अबे बता दो, नाची ले रहे कोत्तागुड़ा वाला राजपेटा वाला बच्चे इतने लोग, अब खत्म कर देंगे। गाड़ी मन लाए ना लाश मन ले जाने के लिए? हाँ गाड़ी मन आ गया, उस दिन भी ऐसी गाड़ी मन लाए के लिए देना। आप लोग मामले को लेकर कमला काका ने जंजुआर को पूरी बात बताई। मेरा नाम अजय प्रकाश है, मैं एक वेबसाइट है जनज्वार.com उससे बोल रहा हूँ। आपका नंबर में हिमांशु जी ने दिया है, एक वीडियो आपका लगाया है जिसमें आप उसी समय कह रही हैं कि हमारे लोगों को आपने मार दिया है। तो आज सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट आई है, तो क्या कहना है आपका, क्या हुआ था उसमें? फिर एक बार बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये खुलासा हो रहा है कि जो मारे गए लोग थे वो ग्रामीण थे, उस समय आपने साफ साफ कहा है, जबकि घटना है SDM से आप कह रही हैं कि ये ग्रामीण है, आपने मार दिया है और आप उसके बाद आप खाना पानी ला रहे हैं, सरकार झुठलाती रही, तमाम मुश्किलें करती रही, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, आप 2012 से लेकर आज तक लड़ते रहे, इसको 7.5 साल हो गए हैं लड़ते लड़ते, और आज हमें मतलब न्यायिक रिपोर्ट मिला है, बस रिपोर्ट मिला है, अभी तक तो पूरा मतलब हमको न्याय नहीं मिला है। न्याय हमको तब मिलेगा जब वो जो दोषी हैं, जो बेकसूर लोगों को मारे गए हैं, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। तो मतलब आप किन लोगों को दोषी मानती हैं इस मामले में, मुख्य अगर माना जाए मुख्य तौर पर? अब मैं किसी को पर्टिकुलर नाम से तो नहीं बता सकती हूँ, मैं तो इतना बोल सकती हूँ कि CRPF और मतलब पुलिस ने मारा है। ऐसी पहले भी घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस ऐसा करती क्यों है, किस लाभ में करती है, किस वजह से करती है, वहाँ के एक नागरिक होने के नाते आपको क्यों लगता है, क्यों करती होगी ये बदमाशी पुलिस और CRPF ये गड़बड़ी? आज तक तो मैं ये बात को आज भी मैंने समझ नहीं पाई हूँ कि ये क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, उनको बेकसूर लोगों को नक्सली बनाकर क्यों मारा जा रहा है, बेकसूर लोगों को नक्सली बनाकर जेल में क्यों डाला जा रहा है, ये आज भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं कोई पैसे का फायदा होता है, सरकार को कोई शाबाशी मिलती है कि आदिवासियों को ऐसा करें, होता क्या है? मतलब आप जो पीड़ित हैं वो उसका सच तो जानती होंगी ना, पीड़ित होने के नाते।
हाँ वो तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, जब हमारे गांव में 17 लोगों को मार दिए थे उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम लोग दो मतलब पहाड़ी के बीच में घने जंगल में हम लोग 17 नक्सली को मारे, उसमें से 4 या 5 पत्थर नक्सली थे जिन्हें हम लोग मार के गिराए हैं और बाकी नाचने वाले नक्सली थे। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने जब गाँव वालों को मारती है और नक्सली के रूप में अब उनको मतलब साबित करती है, दिखाती है, दुनिया को दिखाती है कि हम देखो हम बस्तर में पूरे नक्सली को खत्म कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि उनको शाबाशी पाने के लिए या नहीं तो फिर उनको अपना पद पाने के लिए और बहुत सारे मतलब इसमें सवाल उठ सकते हैं। तो मैं ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती कि उन लोग उनका मतलब लक्ष्य क्या है, उनका मतलब उन लोग क्या सोच के लोगों को मारते हैं, ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा, उस समय जबकि घटना हुई थी और उसके बाद या जबकि लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि डर रहता है कि पुलिस उन्हें भी मार सकती है, नक्सली कह सकती है, वैसे में यह जो साहस आपने अपने लोगों के लिए जुटाया था ये कैसे कह पाए? क्या अपने परिवार का भी कोई मारा गया था गाँव का या आप कुछ थी सामाजिक दायरे में? नहीं, मैं सामाजिक कार्य में कुछ भी नहीं थी, मैं एक आम लड़की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब पार्टी क्या होती है, कांग्रेस पार्टी क्या होती है, भाजपा पार्टी क्या होती है, दुनिया मतलब कोई मतलब किसी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं बस पढ़ी जितना मतलब 12वीं तक पढ़ी, उसके बाद हमारे मतलब जब मैं पढ़ रही थी तभी। तो आपने कैसे मान लिया था उस समय कि ये 17 लोग नक्सली नहीं है, आम आदिवासी है और उनका कोई अपराध नहीं है? हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, तो उसके बाद हम लोग पूरा बिखर गए थे, फिर गांव में आके बस गए थे 2009 में। वो भी इमानशु सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे गांव वालों को बसाया था, पूरे उधर के क्षेत्र वालों को बसाया था, उनको एक साल तक हम उन्होंने राशन पानी दिया, बोने के लिए बीज दिया, सब कुछ दिया है। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे गांव वाले जीवन यापन कर रहे थे, उसके बाद अचानक आके पुलिस फोर्स ने मार दिया। उसमें से मेरा भतीजा था राहुल काका और मेरा चचेरा भाई समैया काका था और मेरी चचेरे भाई की बेटी एक सरस्वती थी जो मतलब 12-13 साल की थी, तो मारे गए। हम लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि उस मतलब उस भीड़ में इतने लोगों की मौत हुई। और आप तो जानते ही होंगे कि गांव में कोई ना कोई रिश्ता होता ही है, शहर में तो जुड़ा हुआ रहता है। उसमें से कई लोग मेरे भाई थे, भाई लगने वाले थे, कई लोग चाचा लगने वाले थे, कई लोग मामा लगने वाले थे, कई लोग भतीजा लगने वाले थे। और उसके चलते और रही बात, मेरे परिवार में से 3 लोगों की मौत हुई है और मेरा सगा भतीजा जो राहुल काका है, मेरे सबसे बड़े भैया के बेटा है, वो 9वीं क्लास में था। उस बच्चा का क्या कसूर था जो उन्होंने नक्सली ठहराया उन्हें? और वो बच्चा डेली वही बासागुड़ा जहाँ ताना के बगल में स्कूल है। और रही बात ये भी है कि उन लोग जब छुट्टी होता था तो पुलिस वालों के साथ वॉलीबॉल खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे और पुलिस वाले अच्छे से जानते थे कि उस बच्चा को, ये बच्चा स्टूडेंट है, उसको जब नक्सली ठहराया है। और मैं बचपन से उस गाँव में रही हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, मैं कहता नक्सली कौन है और गाँव वाले कौन है।